नमस्कार दोस्तों, यह तो आप सभी जानते हैं कि किसी भी महिला के जीवन में प्रेगनेंसी सबसे मुख्य क्षण होता है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है जो यदि समय से ठीक ना की जाएं तो बढ़ जाती हैं और जानलेवा भी हो सकती हैं। ये प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन चेंज, पोस्चर चेंज और मेटाबॉलिज्म की गड़बड़ से होती हैं। तो मैं आज डॉक्टर कृतिका आपको इन समस्याओं से रूबरू कराऊंगी। तो महिलाओं को प्रेगनेंसी से क्या क्या समस्याएं होती हैं? सबसे पहले है हार्ट बर्न होना, फूड एवर्जन, मूड स्विंग्स, नौजिया, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, फ्लैटुलेंस, वॉमिटिंग, बैकएक इत्यादि। चलिए अब इन सब के बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले है वॉमिटिंग, यानी उल्टी और मितली होना। यह ज़्यादातर सुबह उठने पर होता है और जिन महिलाओं का पहला बच्चा होता है उनमें यह ज़्यादा देखा गया है। यह शुरू के 3 महीनों में ज़्यादा होता है। इसके लिए आपको कुछ डाइट में चेंजेस करने पड़ते हैं, जैसे थोड़ा थोड़ा थोड़ी थोड़ी देर पर खाएं, खूब सारा पानी पिएं, मिर्च मसाले ना खाएं, और अगर तब भी आराम ना आए तो डॉक्टर की सलाह से आप दवाई ले सकते हैं, जैसे कि डॉक्सिनेट, जो कि डॉक्साइलामीन होती है। दूसरा है कॉन्स्टिपेशन। इसके लिए आपको खाने में ज़्यादा डाइट्री फाइबर लेने चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए। अगर आपको खाली पानी नहीं पसंद है तो आप नींबू पानी ले सकते हैं और कुछ पेल्विक एक्सरसाइजेस भी करनी चाहिए। तीसरा है हार्टबर्न, जिसे एसिडिटी भी कहते हैं। यह सीधा लेटने से ज़्यादा होता है, इसलिए हमेशा उल्टे हाथ की करवट से ही लेटें। अपने बिस्तर का सर वाला हिस्सा थोड़ा सा ऊंचा करके रखें। बाकी इसके लिए आप अदरक की चाय ले सकते हैं, ठंडा दूध ले सकते हैं, या फिर एप्पल सीडर विनेगर भी ले सकते हैं। तला भुना और मसाले बिल्कुल ना लें। अगर आराम ना आए तो पेंटोप्रिजोल या ओमेप्रिजोल भी आप ले सकते हैं। पेट में भारीपन लगना, यह बच्चेदानी के बढ़ते वजन की वजह से, लिगामेंट्स की स्ट्रेचिंग की वजह से होता है। पाइका, इसमें महिलाओं में मिट्टी या कोई भी एक चीज़ खाने की इच्छा ज़्यादा बढ़ जाती है। आखिरी के महीनों में बढ़ती हुई बच्चेदानी के प्रेशर से महिलाओं को जल्दी थकान लगने लगती है, इसलिए उन्हें रेस्ट करना अति आवश्यक होता है। बैकएक, इसके लिए आपको अपने वजन को अत्यधिक मात्रा में भरने से रोकना चाहिए। किसी भी महिला का प्रेगनेंसी में नॉर्मली 11 केजीज वेट बढ़ता है। पैरों के नीचे हमेशा तकिया लगाकर सोएं और हील्स बिल्कुल ना पहनें। फर्म मैट्रेस पर सोएं। आप बैक मसाज भी कर सकते हैं एवं ऑइंटमेंट्स भी लगा सकते हैं। लेग क्रैम्प्स, ये रात को सोते समय ज़्यादा होते हैं और कैल्शियम या पोटेशियम की कमी के कारण होते हैं, इसलिए पैर को थोड़ा ऊपर करके सोएं और क्रैम्प्स के समय आप हल्की मसाज भी कर सकते हैं। फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, मतलब कि बार बार बाथरूम लगना। इसके लिए पानी ज़्यादा पिएं, क्योंकि अगर आप पानी ज़्यादा नहीं पिएंगे तो आपके शरीर में पानी की कमी हो सकती है। कैफीन यानी कॉफ़ी का सेवन कम करें और रात को पानी पीना अवॉइड करें। अब महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान पेशाब का इन्फेक्शन भी बहुत कॉमन होता है, इसलिए इसे रोकने के लिए आप कम से कम दिन में 5 से 6 लीटर पानी पिएं, क्रैनबेरी जूस भी ले सकते हैं, साफ बाथरूम यूज़ करें, एवं यदि पेट में दर्द हो तो गर्म पानी की सिकाई करें। एक्ने के लिए आप कुछ घरेलू उपचार कर सकते हैं, जैसे कि एलोवेरा लगाएं, हल्दी लगाएं, कोकोनट ऑयल लगाएं और लेमन भी लगा सकते हैं। फिर है वेरिकोज वेंस, मतलब कि नसों में सूजन। यह ज़्यादातर पैरों में होता है या फिर वल्वा में भी हो सकता है। पैर के लिए आप क्रेप बैंडेज यूज़ कर सकते हैं या फिर पैरों को थोड़ा ऊपर करके सोएं। फिर है हेमरॉइड्स, जिसको कि पाइल्स कहते हैं। इसकी वजह से ब्लीडिंग भी हो सकती है और लैट्रिन का रास्ता बाहर भी आ सकता है। इसको रोकने के लिए आपको सिट्स बात करनी चाहिए, जिसमें कि बड़े से बर्तन में गर्म पानी में बीटाडीन डालकर सुबह शाम उसमें बैठना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन होने से रोकें, आप आइस पैक भी लगा सकते हैं। सिनकोप, मतलब कि चक्कर आना, यह खड़े होने पर ज़्यादा होता है, क्योंकि बच्चेदानी सारा खून नीचे के हिस्सों में धकेल देती है तो ब्रेन में खून की मात्रा कम हो जाती है और चक्कर आने लगते हैं। इसके लिए आपको हमेशा उल्टे हाथ की करवट से लेटना चाहिए। कभी भी बिस्तर से तुरंत ना उठें, पहले उठकर बैठें और फिर बिस्तर से खड़े हों। एंकल एडिमा, पैरों में सूजन, इससे बचने के लिए आपको हमेशा पैरों के नीचे तकिया लगा के रखना चाहिए या फिर आप स्टॉकिंग्स का प्रयोग भी कर सकते हैं। हेडेक,
ये ज़्यादातर स्ट्रेस की वजह से होता है, लेकिन यदि ये हमेशा ही बना रहे या ठीक ना हो तो खतरे की घंटी भी हो सकता है, जैसे कि बढ़ा हुआ बीपी, जिसे कि प्रीएक्लेम्प्सिया कहते हैं। वेजाइनल डिस्चार्ज, प्रेगनेंसी में नीचे से थोड़ा बहुत पानी आना नॉर्मल होता है, लेकिन यदि यह डिस्चार्ज ज़्यादा हो, इसकी वजह से खुजली हो या फिर इसका कलर चेंज हो रहा हो तो खतरे की घंटी हो सकता है, क्योंकि यह संक्रमण को दर्शाता है, तो आपको तुरंत इलाज लेना चाहिए। ब्रेथलेसनेस मतलब सांस लेने में दिक्कत होना, यह भी बढ़ते वजन की वजह से कुछ महिलाओं में उत्पन्न हो जाती है। कुछ महिलाओं में पूरे शरीर में सूजन भी हो जाती है एवं खुजली भी हो जाती है। यह कुछ कॉमन समस्याएं हैं जो हर महिला को प्रेगनेंसी के दौरान होती हैं, लेकिन यदि कभी भी आपको नीचे के रास्ते से खून आए, बच्चा कम घूमे, सर में अत्यधिक दर्द हो, पैर में सूजन ज़्यादा हो जो सही ना हो रही हो, नीचे से पेशाब जैसा पानी आ रहा हो, पेट में समय से पहले दर्द हो रहा हो, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाके उसको दिखाएं। आशा करती हूँ आप सबको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा एवं आप अब इन समस्याओं से नहीं डरेंगे। कुछ भी अपडेट्स जानने के लिए एवं अपडेट्स को सबसे पहले जानने के लिए मेरे चैनल का बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल थिंक यूरोलॉजी एंड गायनेकोलॉजी। थैंक यू, बाय बाय।